चार छात्राओं के लापता होने से हड़कंप मच गया है। अंबाला शहर के अलग अलग इलाकों से चार छात्राएं लापता हो गई हैं। छात्राओं के लापता होने पर परिजनों ने पुलिस को फिलहाल इसकी शिकायत दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छात्राओं की जो तलाश है वो शुरू कर दी है। क्या कुछ पूरा मामला है जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए जानकारी मिल पा रही है कि अंबाला में एक साथ चार छात्राओं के लापता होने से हड़कंप मच गया है। अंबाला शहर के अलग अलग इलाकों से वो छात्राएं जो हैं लापता हुई हैं। छात्राओं के लापता होने पर परिजनों ने फिलहाल पुलिस को इसकी शिकायत दी है और पुलिस ने मामला दर्ज कर छात्राओं की तलाश शुरू कर दी है। तो अंबाला शहर से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर छात्राओं के लापता होने से हड़कंप मचा हुआ है। अंबाला शहर के अलग अलग इलाकों से लापता हुई है छात्राएं, जिनको पुलिस जो है तलाश कर रही है। हमारे पास से यहां चार बच्चियों की सूचना बलदेव नगर में प्राप्त हुई है। तो एक जो चारों बच्चियां हैं वो अलग अलग स्थानों की हैं, लेकिन उनकी क्लास एक ही है, 8th क्लास में पढ़ती हैं वो। और वो स्कूल के टाइम के बाद ही इकट्ठी देखी गई हैं, और इकट्ठी वो कहीं गई हैं किसी कार में, लेकिन ये मालूम नहीं हुआ कि वो गाड़ी का नंबर क्या है, किस गाड़ी में गई हैं, मार्का क्या है गाड़ी का, उनके बारे में भी नहीं पता लगा है। सीसीटीवी भी सामने है। हाँ, अभी फुटेज देखी जा रही है। ये तो अभी तक लोगों ने जो बताया है, जो हमने पूछताछ की है, इन्वेस्टिगेशन किया, उसी में आया भी वो तीन कहीं इकट्ठी बैठी हुई, तीन के बाद वो चार इकट्ठी हुई, फिर वो किसी गाड़ी में बैठ के गई हैं। तो देखिए आपको बता दें कि अंबाला शहर से ये जानकारी सामने आई है, जहां पर चार छात्राओं के गायब होने की खबर जो है सामने आई है। अब आपको बता दें कि लापता हुई हैं छात्राएं, हालांकि एसएचओ कहते हुए नजर आ रही है कि उन्हें एक कार में जाते हुए देखा गया है। फिलहाल पुलिस को ये जानकारी दी गई है, जांच पड़ताल की जा रही है, चार छात्राओं को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार वो जो चार छात्राएं हैं वो कहां लापता हुई, क्योंकि देखिये जिस तरीके से एसएचओ भी कहते नजर आए हैं कि वो किसी कार में जाती हुई नजर आई। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, राघव भी जो अंबाला से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राघव, सबसे पहले पूछना चाहूंगी क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्योंकि देखिए परिजन कह रहे हैं कि जो वो चार छात्राएं हैं वो लापता हो गई हैं, और एसएचओ की जब बात सुनी तो वो कहते नजर आए हैं कि वो जो चार छात्राएं हैं वो कार में जाती हुई नजर आई है, और जांच पड़ताल फिलहाल जारी है। राघव, आवाज मिल पा रही है आपको? तो चलिए कनेक्ट फिर से एक बार होने की कोशिश करेंगे, संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि परिजन भी परेशान हैं इन चार छात्राओं के लापता होने से। अंबाला शहर के अलग अलग इलाकों से वो चार जो छात्राएं हैं वो लापता हुई हैं, क्योंकि एक ही स्कूल की छात्राएं हैं और कार में बैठकर जाती हैं, एसएचओ की तरफ से भी ये कहा जा रहा है। तो राघव वीर जो है एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। राघव, सबसे पहले पूछना चाहूंगी जो चार छात्राएं लापता हुई हैं उसको लेकर फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, क्योंकि देखिए परिजन काफी परेशान हैं, जिसको लेकर पुलिस में शिकायत की गई है, और वहीं एसएचओ का कहना है कि उन चार छात्राओं को कार में जाते हुए भी देखा गया है। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा एक हैरान करने वाली जो घटना है, बीती शाम आई है। आपको बता दूं, एक ही स्कूल की चार छात्रा जो 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो लापता हुई हैं, और कहीं ना कहीं एक ही अपने आप में बड़ी एक हैरान करने वाली बात है। तो वहीं दूसरी ओर परिजन जो है पुलिस के पास जब पहुंचे तो पुलिस अधिकारियों ने जो है फिलहाल उनको ये कहा कि 24 घंटे अभी वेट कर लीजिए, उसके बाद जो है एफआईआर की जाएगी। ऐसे में गुस्साए परिजनों ने वहां पर हंगामा किया, और वहां पर सभी शहर के सभी राजनीतिक दल की बात करें, चाहे वो सभी राजनीतिक दल हों या गणमान्य व्यक्ति हों, सभी रात को जो है बलदेव नगर चौकी में इकट्ठे हुए, जमकर वहां पर हंगामा भी हुआ। लेकिन आपको बता दें, एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर देखा गया है, जैसा कि एसएचओ सुनील द्वारा जो बताया गया है, कि लड़कियां जो हैं उनको गाड़ी में बैठ के नारायणगढ़ मोड़ से अंबाला की तरफ जाते हुए देखा गया है। लेकिन फिलहाल अभी गाड़ी का नंबर जो है वो सामने नहीं आया है। पुलिस की अलग अलग टुकड़ियां जो हैं, चाहे वो सीआईए की बात करें, चाहे अलग अलग टीम जो गठित की गई है, वो लगातार इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन फिलहाल जो है अभी किसी तरह की कोई सामने बात नहीं आई है, और कोई पुलिस द्वारा पुष्टि भी नहीं की है। दूसरी ओर अगर परिजनों की बात करें तो उनका ये कहना है कि 7:45 बजे जो है एक उस चार लापता जो लड़कियां हुई हैं बच्चियां, उसमें से एक बच्ची का कहना था कि कल वो स्कूल नहीं जाएंगी, उसके बाद थोड़ी देर बाद ही वो घर से जो है गायब हो गई। तो ऐसे में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा गया है कि लड़कियां जो बच्चियां हैं वो
गाड़ी में बैठकर जो है अंबाला कैंट की तरफ जाती हुई जो है नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस की टीमें जो है लगातार इसकी और जो है पूरी जांच जो है सीसीटीवी फुटेज जो है और जगह की भी खंगालने की कोशिश कर रही है। राघव, फिलहाल जो भी ये चार छात्राएं हैं उनके परिवारजनों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर, क्या उन्हें कोई जानकारी, क्या उनका कोई दोस्त जिनके साथ वो गई हो? क्योंकि देखिए एक अपहरण का मामला अलग होता है, फिलहाल जिस तरीके से आप बता रहे हैं सीसीटीवी फुटेज भी जारी हुआ है तो कहीं ना कहीं वो चारों छात्राएं खुद से उस कार में बैठती हैं और उसके बाद चली जाती है और फिलहाल लापता हो गई है, परिवार क्या कुछ कह रहा है इसको लेकर? जी, परिवार का साफ तौर पर कहना है कि उनको इस बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि जो वो बच्चियां थी उनके जो और दोस्त हैं उनके घर पे उनके परिजनों से मुलाकात करने भी गए, हालांकि स्कूल प्रबंधन की जो कमेटी है और प्रिंसिपल है वो भी लगातार इस और सभी बच्चों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल परिजनों द्वारा यही कहना है कि उन्हें इस बात का कुछ भी नहीं पता, और अगर वो उन्होंने उनके और स्टूडेंट से पता करने की कोशिश की तो उनके सामने भी कोई अभी ऐसे कोई मामला निकल के सामने नहीं है। तो फिलहाल कोई फोन परिवारजनों के पास आया हो या उन्हें कोई अन्य जानकारी मिल पाई हो अपनी बच्चियों को लेकर, इसको लेकर कोई जानकारी? जी फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के अलावा कुछ भी परिवार वालों पर जानकारी नहीं है, और हालांकि जो बच्चियां उनके पास किसी के पास मोबाइल भी नहीं है, एक मोबाइल जरूर उसमें इंस्टाग्राम की चैट जो है एक प्राइवेट चैट जो है पुलिस को सौंपी गई है, उसके बारे में पुलिस ने भी कुछ नहीं बताया, लेकिन फिलहाल जो है परिजनों पे या किसी और अन्य रिश्तेदारों पे या पुलिस पे किसी तरह का कोई फोन नहीं आया, कोई सूचना नहीं मिल पा रही है, और बीती रात से ही लगातार पुलिस की टीमें जो है अलग अलग जगह जो है देख रही है, चाहे वो अंबाला का रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, वहां की भी सीसीटीवी फुटेज खंगालने की बात कर रहे हैं, क्योंकि नारायणगढ़ मोड़ जो कि अंबाला शहर में पड़ता है वहां से जो है गाड़ी अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन की ओर जाती हुई दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन फिलहाल किसी तरह का कोई फोन नहीं आया है। हालांकि पुलिस से बार बार हमने बात करने की कोशिश की, उनका यही कहना है कि वह जांच में जुटे हैं और जल्द जो है बच्चियों को ढूंढ लिया जाएगा। राघव, ये भी सवाल पूछना चाहूंगी कि ये घटना कितने बजे की है, स्कूल जाने के बाद या फिर स्कूल से जब छुट्टी होती है बच्चों की उसके बाद की ये घटना है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर मिल पाई है? स्कूल के बाद की ये घटना है, शाम की बताई जा रही है, 7:45 बजे से ही जो है चार बच्चियां जो है वो एकदम से लापता होगी। हालांकि जो सूत्रों के मुताबिक बताया जा रही है, ऐसा परिजनों द्वारा बताया जा रहा था कि 13 बच्चियां हैं, लेकिन फिलहाल चार बच्चियों के ही पेरेंट्स जो है सामने आ पाए हैं, और बच्चियां जिनका नाम आ रहा है उनके साथ बात करने के लिए लगातार पुलिस कोशिश कर रही है, और स्कूल प्रबंधन को भी आज थाने में बुलाया गया है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि किस तरह की कोई मूवमेंट स्कूल में हुई हो या किस तरह की बात हो, इसको लेकर पुलिस ने स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल को भी जो है वहां पर बुलाया है और उनसे बातचीत करेंगे डिटेल से। बिल्कुल, अगर देखिए आप नजर बनाए रखेगा, आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए आप ये तस्वीर फिलहाल देख पा रहे हैं, ये वो चार छात्राएं हैं जो कि लापता हुई हैं। हालांकि जो एसएचओ है उनका कहना है कि ये जो चार छात्राएं हैं सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि ये कार में बैठती हुई नजर आई, उसके बाद ये लापता है। परिजनों को फिलहाल कोई फोन अभी तक नहीं आया है, कल शाम की घटना है, अभी तक देखिए काफी समय बीत चुका है, परिवारजनों के पास भी इनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है, क्या कुछ आगे रहेगा ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ ये माजरा है, क्या कुछ पूरा मामला है, बच्चियां खुद से गई हैं या फिर उन्हें किसी और वजह से उनको मजबूरन जाना पड़ा, ये जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है।